Hello, Baccio. let's see the question. What is the criteria for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis? Option A, the larger the fragment size, the farther it moves. Option B, the smaller the fragment size, the farther it moves. And option C, positively charged fragment move to farther end. And option D, negatively charged fragment do not move. So, firstly, see about the key concept of this question. एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोर देखो वॉट इज द मीन बाई जेल इलेक्ट्रोफोरसिस जेल इलेक्ट्रोफोरिस इज अ मॉलिकुलर टेक्निक और इस हम क्या करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट सेगमेंट और वी कैन से डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज अब देखो जो डीएनए है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ठीक है और इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ये किसकी ओर अट्रैक्ट होगा अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ठीक है अब तो ये कहा जाएगा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है एनोड के ऊपर राइट और जो जितना सेगमेंट छोटा होगा लाइट बैंड होगा वो उतनी जल्दी क्या करेगा मूव फास्ट करेगा और वो हमें कहाँ मिलेगा एनोड की ओर अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इसमें वेल्स बनाए जाते हैं और वेल्स के अंदर डीएनए को लोड किया जाता है ठीक है यहाँ पे हम देखते हैं वन टू थ्री फोर यहाँ पे हम वेल्स क्रिएट करते हैं दीज आर देल्स और इन वेल्स के अंदर डीएनए को लोड करेंगे ठीक और इस तरीके से ये वेल्स हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया है नेगेटिव जिसको कैथोड कहते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा है जिसको एनोड कहते हैं हम देखते हैं कि जो डीएनए के लार्जेस्ट बैंड होते हैं वो जल्दी से मूव नहीं कर पाएंगे तो वो हमें नेगेटिव एंड की ओर दिखाई देती है दीज आर द लार्जेस्ट बैंड ऑफ द डीएनए विच इज अराउंड कैथोड और जो एनोड तक पहुंच जाते हैं वो स्मॉलर बैंड्स होते हैं डीएनए के स्मॉलर बैंड कहाँ मिलेंगे हमें एनोड रीजन की ओर तो डीएनए में बैंड दो तरीके से हैं एक है स्मॉलेस्ट बैंड दैट इज नियर द एनोड एंड विच विल मूव फास्ट और लार्जेस्ट बैंड जो होते हैं दैट विल मूव स्लोली एंड नियर द कैथोड एंड तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस थी तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखो क्या क्राइटेरिया फोल क्या क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे कि लार्जेस्ट जो फ्रेगमेंट साइज है वो दूर तक जाएंगे नो स्मोलर जो फ्रेगमेंट होते हैं द इट दूव ठीक है ज्यादा दूर तक मूव करेंगे पॉजिटिवली चार्ज नहीं डीएनए सारे कैसे होते हैं नेगेटिवली चार्ज तो नेगेटिवली चार्ज चार्जमेंट डू नॉट मूव नो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है और वो मूव कर रहा है सो हियर फाइनली करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन बी होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक